नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट स्काउटिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में और उनके स्काउट के योगदान के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्काउटिंग शुरुआती दिनों में भारतीय बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भारतीय बच्चों को स्काउटिंग में स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया था। उन्होंने लॉर्ड बेडन पॉवेल के स्काउटिंग से प्रभावित होकर जस्टिस विवियन बोस, हृदयनाथ कुंजरू, गिरिजाशंकर वाजपेयी, डॉक्टर एनी बेजेंट, जॉर्ज अरंडल के साथ मिलकर भारत का स्वतंत्र स्काउटिंग शुरू किया और उसके वे पहले मुख्य स्काउट बने। उन्होंने स्काउटिंग से प्रेरणा लेकर 1913 में अखिल भारतीय सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की। स्काउटिंग के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। स्काउटिंग में भारतीयता लाने का कार्य पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। उन्होंने देश प्रेम और समाज सेवा पर विशेष बल दिया। स्काउटिंग के अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा और सेवा में भी अग्रणी रहे। अप्रैल 1911 में पंडित मदन मोहन मालवीय डॉक्टर एनी बेजेंट से मिले और उन्होंने साथ मिलकर वाराणसी में एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के ऊपर काम किया और इन दोनों के प्रयत्न से 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, जो आज भी विश्वविख्यात है। डॉक्टर एनी बेजेंट के ऊपर बना वीडियो आप ऊपर दिए आई बटन से देख सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा, सेवा, स्काउटिंग के अलावा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी अग्रणी रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में उनके 153वें जन्मदिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।